दल बल के साथ अचानक अस्पताल पहुंचे दिग्विजय सिंह, फिर जो हुआ उड़ गए सभी के होश। जी हां, आपको पता चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गाड़ी ने गुरुवार को राजगढ़ में एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ अपनी गाड़ी को रुकवाया बल्कि खुद घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे भोपाल के चिरायू अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक घायल युवक की स्थिति स्थिर है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के कोटकया गाँव के घर पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। दोपहर करीब 3 बजे जब वे निकले तो जीरापुर के पास बाइक सवार 20 साल का रामबाबू बागरी काली फॉर्च्यूनर से सवार दिग्विजय सिंह की गाड़ी से टकराकर गिर गया। रामबाबू बागरी परोलिया का रहने वाला है। हादसा उस वक्त हुआ जब रामबाबू अपनी गाड़ी को मोड़ रहा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। वहीं की यूजर्स के द्वारा इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की कार से आज एक बाइक सवार युवक टकरा गया। सीसीटीवी से पता चला कि गलती बाइक सवार युवक की थी। दिग्विजय सिंह खुद सबसे पहले कार से उतरे और घायल शख्स को अस्पताल लेकर पहुंचे। युवक फिलहाल ठीक है। जी हां, आपको पता चले कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के एसयूवी कार से युवक को टक्कर लगी, उसके बाद युवक सड़क पर गिर गया। वहीं जैसे ही यह सूचना दिग्विजय सिंह के कानों तक पहुंची तो दिग्विजय सिंह तुरंत उस युवक से अस्पताल मिलने पहुंचे। फिलहाल युवक की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।